नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आप सभी का एक बार फिर से नव भारत स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। और आज फिर हम लेकर हाजिर हैं इंग्लिश की वर्ड मीनिंग्स और स्पेलिंग्स। जैसे कि आपको पता है हमारी एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम इंग्लिश की जो वर्ड मीनिंग्स हैं, इंग्लिश की जो सिनोनिम्स हैं, जो पर्यायवाची हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हर वीडियोस में मैं आपको 10 से 15 जो स्पेलिंग्स हैं, वर्ड मीनिंग्स हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और उसके अंदर एक विशेष ट्रिक के द्वारा बातों ही बातों में, खेल खेल में हम अंग्रेजी की स्पेलिंग्स को याद कर रहे हैं। जिस अंग्रेजी को लेकर के अक्सर बच्चों में और बड़ों में बड़ा भय रहता है, उस अंग्रेजी को हम बात ही बातों में सीख रहे हैं, और वो भी हंसी मजाक के साथ एक अलग छोटी सी कहानी के माध्यम से। ठीक है, या हम ऐसे कहें कि एक बेस दे रहे हैं, उस बेस के माध्यम से हम सीख रहे हैं। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं पहली स्पेलिंग, तो छोड़ के जाइएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान लगा के देखिए। एकदम आपके सामने जबरदस्त अभी ट्रिक के द्वारा, अभी मेथड के द्वारा आने वाली पहली स्पेलिंग। तो ठीक है, करते हैं श्री गणेश। नंबर वन, पहली स्पेलिंग जो है आज की वो है ए बी एस ओ एल वी ई। अब सॉल्व, ए बी एस ओ एल वी ई, अब सॉल्व। पता लग गया होगा जिन विद्यार्थियों ने पिछले वीडियोस देखे होंगे, बिल्कुल वो समझ गए होंगे कि सर किस तरह से याद करवा रहे हैं। उनको इसमें नजर आ गया होगा, उनका देखने का दृष्टिकोण बदल गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके मन तक पहुंच रहा हूं, पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप पहुंच चुके हैं ए बी आर सॉल्व। अब मामला क्या हो गया, अब मामला सॉल्व हो गया। कौन सा मामला सॉल्व हो गया, बस सुनिए, मामला कौन सा सोल्व हो गया। अक्सर हर जगह पर जहां भी दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, आपस में झगड़े होते हैं, लेकिन जब झगड़ों में एक दूसरे को क्या कर दिया जाता है, फगीव, माफ। जब झगड़ों में आपस में एक दूसरे को माफ कर दिया जाता है, फगीव कर दिया जाता है, एक दूसरे को माफ कर दिया जाता है, फगीव कर दिया जाता है, तो सारे मामले सॉल्व हो जाते हैं। ऐसे कहते हैं कि बड़ा वो नहीं होता जो झगड़ता है, बड़ा वो होता है जो माफ करता है। ठीक है, तो अब सॉल्व मतलब अब मामला सॉल्व हो गया, अब मामले का समाधान हो गया। तो अब सॉल्व मीन्स फगीव, माफ। ठीक है, तो ये थी हमारी पहली वर्ड मीनिंग। चलते हैं, तो दूसरी जो हमारी स्पेलिंग है वो है S डबल O T H E, सूट। एंड इसका जो सिनोनिम्स है वो है P A C I F Y, pacify। देखिए, सूट, pacify, pacify मीन्स होता है शांत करना। Pacify means होता है शांत करना। ठीक है, और अब इसको याद कैसे करें, तो याद करने का बहुत सिंपल सी बात है, सूथी। इसको क्या याद करेंगे हम, इसको किस नाम से जानेंगे, इसको जानेंगे हम सूथी। देखिए, हर घर में कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा मिलता है जो लड़ाकू कैटेगरी का होता है। ठीक है, एक महिला है, वो महिला, मैं महिलाओं की बुराई नहीं कर रहा हूं, कृपया ऐसा न माने कि सर महिला वर्ग की बुराई, नहीं नहीं, यत्र नारस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का निवास होता है, ये सिर्फ एक याद करने की ट्रिक है। ठीक है, सूती, घर में एक महिला है जो बहुत लड़ाकू है। ठीक है, अक्सर कभी बच्चों से कभी हस्बैंड से लड़ती रहती है। अब वो क्या हो गई, लड़ रही है, झगड़ रही है, तो उसके हस्बैंड उसके बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि ये सो जाए, वो सो गई। ठीक है, अब सो गई तो सब लोग खुशी मना रहे हैं कि भैया इसको सूती रहने दो,
इसको जगाओ मत, इसको सूती रहने दो। अगर घर में शांति चाहते हो तो, घर का माहौल शांत करना चाहते हो तो इसको सूती ही रहने दो, इसको जगाओ मत, क्योंकि वो कैसी है, वो लड़ाकू है, तो उसको सूती रहने दो। सूती रहेगी तो मामला घर का पूरा शांत रहेगा। तो शांत करने के लिए हम क्या करें, इसको सूती ही रहने दो। तो सूती से क्या बन गया, पैसिफाई, शांत करना, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी स्पेलिंग भी सिंपल वे में हमको याद हो गई। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। अब हमारी तीसरी स्पेलिंग है, वो है AUGUST, अगस्त। जी हाँ, वही अगस्त जो आप मनाते आए हैं, 15 अगस्त। अगस्त का महीना इसलिए भी बच्चों को, स्टूडेंट को, टीचर्स को, पढ़ने वालों के लिए ज्यादा खुशनुमा होता है, ज्यादा शानदार होता है, ज्यादा भव्य होता है, क्योंकि अगस्त के महीने में 15 अगस्त का त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो 15 अगस्त, वही अगस्त है, ये स्पेलिंग भी वही है, ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा इसका मतलब, अर्थ अलग निकल रहा है। अगस्त की बात कर रहे हैं तो अगस्त जो है इसका सिनोनिम है स्प्लेंडिड। देखिए, अगस्त का महीना शानदार होता है। क्या होता है अगस्त का महीना? शानदार होता है। और स्प्लेंडर गाड़ी भी क्या होती है? शानदार होती है। स्प्लेंडर, स्प्लेंडिड, तो स्प्लेंडर गाड़ी जो होती है, गाड़ियों में स्प्लेंडर गाड़ी, और महीनों में अगस्त का महीना, दोनों शानदार होते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ भी क्या बना? शानदार, भव्य, ग्रैंडियर, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं अगस्त मीन्स शानदार, ठीक है। चलते हैं अगली स्पेल की ओर। अगली स्पेलिंग है एडवोकेट, ADVOCATE, एडवोकेट। एडवोकेट, एडवोकेट हमें क्या करता है? एडवोकेट हमें सपोर्ट करता है। SUPPOR, SUPPORT, एडवोकेट हमें क्या करता है? एडवोकेट हमें सपोर्ट करता है। एडवोकेट, आपको पता है, जब भी कोई मुकदमा वगैरह हो जाता है, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता है, उसमें एडवोकेट हमें क्या करता है? तो एडवोकेट जो है वो हमें क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। एडवोकेट मतलब आप जानते हो, वकील, लेकिन यहां पर एडवोकेट का मतलब क्या होता है? यहां पर एडवोकेट का मीन्स है सपोर्ट, सहयोग करने वाला, साथ देने वाला, ठीक है, जो हमें सहयोग दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो एडवोकेट का मीन्स क्या है यहां पर? सपोर्ट। और वैसे भी जो एडवोकेट होते हैं वो हमें सपोर्ट ही करते हैं, ओके। अगली स्पेल है फोर्टिट्यूड, FORTITUDE, फोर्टीट्यूड। फोर्टीट्यूड मीन्स क्या है? तो फोर्टीट्यूड मीन्स है CORAGE, करेज, ये इसका सिनोनिम्स है। और फोर्टीट्यूड देखिए, हिंदी अर्थ की हम बात करें तो हिंदी अर्थ है इसका साहस। देखो, याद करते हैं इसको, याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। फोर्ट, किले, आप कभी किसी किले में गए होंगे तो आपको पता होगा, चाहे जयपुर का हो या जोधपुर का हो, किले जो अक्सर होते थे, किले बहुत ऊंचाई पे बनते थे, ठीक है, और उन किलों को जीतना बहुत मुश्किल होता था। तो उन किलों को वही जीतता था जिसके अंदर साहस होता था। एक राजा दूसरे राजा के किले को जीतने के लिए अपने अंदर क्या उत्पन्न करता है? पहले साहस, जिसमें साहस होगा वही उसको जीत पाएगा। तो फोर्टिट्यूड मतलब फोर्ट पे चढ़ना। आज भी किले इतने ऊंचे ऊंचे जगह पर स्थित है, जैसे आपके जयपुर का नाहरगढ़ का किला है, आप कभी अगर उसकी चढ़ाई चढ़ेंगे तो उसमें भी आपको साहस की आवश्यकता पड़े, काफी ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो फोर्ट पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। फोर्ट पे चढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? साहस चाहिए। फोर्टिट्यूड मतलब हमें फोर्ट पे जा रहे हैं, किले में जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए उसके लिए? साहस चाहिए। और साहस मतलब करेज, करेज आपका साहस, ठीक है। तो फोर्टिट्यूड हिंदी अर्थ और इसका सिनोनिम्स हो गया करेज। चलते हैं अगले स्पेल्स की ओर।
दूसरी स्पेलिंग लेते हैं वो है एम आई ए बी एल ई। देखिए एमेबल, एमेबल जो है इसका सिनोनिम अगर देखते हैं तो एफ आर आई ई एन डी एल वाई, फ्रेंडली। बच्चों बिल्कुल अंग्रेजी से घबराने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अंग्रेजी को थोड़ा सा आपको याद करना है, आपको देखना है, आपको समझना है थोड़ा सा, और फोकस करना इन वर्ड्स के ऊपर। इन वीडियोस को आप एक बार दो बार तीन बार देखेंगे, मैं आपको श्योरली कह रहा हूं कि अगर आपने इसको बिल्कुल दिल से देखा तो मैं आपको दिल से बता रहा हूं ये आपके दिल पे छप जाएगा, ठीक है। बस एक बार दिल से देख के देखना। तो एमेबल, एमेबल मीन्स फ्रेंडली, एमेबल मीन्स क्या है, एमेबल मीन्स है फ्रेंडली, ठीक है। देखिए कैसे याद करें, याद करने का सिंपल तरीका है एम। जब भी हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या मैं आपकी दोस्ती के लायक हूं, तो एम आई एबल, एम आई एबल, एम आई एबल, क्या मैं लायक हूं, किसके लायक हूं, फ्रेंडली, क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक हूं, तो एम आई एबल, एम आई एबल, एमीएबल मीन्स फ्रेंडली, ठीक है। तो जब भी आप किसी के आगे दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, जब भी आपका कोई दोस्त नजर आए तो आपको ये स्पेलिंग याद करना है, अपने दोस्त के सामने आप जब भी खड़े तो मन में बोले एम आई एबल, एम आई एबल, एमीएबल मीन्स फ्रेंडली, ठीक है। मित्रता के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, तो एम आई एबल, एमीएबल, ओके। अगली स्पेलिंग हमारी है वो है डी ई जे ई सी टी ई डी, डिजेक्टेड। देखिए डिजेक्टेड मीन्स है वो है अनहैप्पी, यू एन एच ए डबल पी वाई, अनहैप्पी, अनहैप्पी, डिजेक्टेड। याद करने के लिए डी को क्या मान लो, आर। सिर्फ याद करने के लिए इसका प्रोनाउंसिएशन डिजेक्टेड निकल रहा है, लेकिन आपको क्या मानना है, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड। हम डिजेक्टेड बोल रहे हैं, सुनने में क्या, रिजेक्टेड बोल क्या रहे हैं, डिजेक्टेड, सुनने में क्या रहा है, रिजेक्टेड। जब आप रिजेक्ट हो जाते हैं कहीं पर भी तो बोलो क्या हो जाते हैं, अनहैप्पी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिजेक्टेड, अनहैप्पी, डिजेक्टेड मीन्स अनहैप्पी, दुखी या सैड, ठीक है। अगली स्पेलिंग डी आई एन, डी आई एन, देन यू पी आर ओ ए आर, अपरोर या लाउड, अपरोर या लाउड, दिन, हां। देखिए हम बोलते हैं दिन और रात, बताओ ज्यादा शोरगुल कब होता है, अपरोर, शोरगुल, स्टडी करने का अच्छा समय रात को मानते हैं कुछ लोग, और रात को होता भी है, क्यों, क्योंकि शोरगुल दिन में ज्यादा होता है, तो दिन, दिन किसको इंडिकेट करता है, शोरगुल को, डी आई एन, दिन में पी पा पी, दुनिया भर की गाड़ी मोटर बस सब चलती रहती है, कभी कौन चिल्ला रहा है, कभी किसकी आवाज आ रही है, तो दिन में आवाज बहुत ज्यादा आती है, शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, तो दिन किसको इंडिकेट कर रहा है, शोरगुल को, दिन, अभी दिन, तो दिन में शोरगुल हो रहा है, तो दिन में क्या होता है, शोरगुल, रात क्या होती है, साइलेंट, तो यहां पर बात कर रहा है दिन किसको इंडिकेट कर रहा है, शोरगुल को, अपरोर, यू पी अप आर ओ ए आर, अप रॉ। अगली स्पेलिंग के ई एन, छोटी छोटी स्पेलिंग्स है, केन, मेरे पास एक केन है, केन जिसमें हम कोई ऑयल वगैरह भरते हैं, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, केन, केन का सिनोनिम्स पढ़ते हैं पहले, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई, नॉलेज, ये जो नॉलेज का सिनोनिम्स
सिनोनिम्स है या केन का सिनोनिम्स नॉलेज है, याद कैसे करें? तो देखो केन है मेरे पास, कोई भी एक आइटम जिसमें हम कुछ ऑयल वगैरह भरते हैं, जो बड़ा बर्तन होता है जिसमें हम ऑयल वगैरह भरते हैं उसे केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? केन। तो देखिए हमारा ये जो माइंड है ना, ये भी ईश्वर के दिया हुआ एक केन है। हमारा जो खोपड़ी है ना, ये जो ठीक है 2.5 किलो का लगभग जो होता है, ये भी ईश्वर के द्वारा बनाया गया केन है। और इस केन में हमारी क्या भरी हुई है? इस केन में नॉलेज भरी हुई है। तो इस केन में हमें क्या भरना है? इस केन में हमको नॉलेज भरना है। ठीक है, घरों में देखा होगा केन में कुछ हम तेल वगैरह ऑयल वगैरह भर के रखते हैं, कुछ पानी वगैरह भर के रखते हैं। यहाँ पर केन में हमें क्या भरनी है? नॉलेज भरनी है। और ये गॉड गिफ्ट, गॉड का दिया हुआ केन है। तो केन मीन्स नॉलेज, ठीक है, ज्ञान जिसे हम कहते हैं। तो केन मीन्स क्या है? ज्ञान, नॉलेज। ओके, नेक्स्ट। अगली स्पेलिंग हमारी जो है वो है LICIT, लिसिट। एंड इसका जो सिनोनिम्स है वो है LEGAL, लीगल। LEGAL, लीगल। एंड इसका जो हिंदी अर्थ जो है वो है वैध। देखिए याद करने का सिंपल सा तरीका है, इसमें छिपी हुई है LIC। क्या छिपी हुई है? LIC, लिसिट। एंड LIC जो कंपनी है वो एक कैसी कंपनी है? LIC एक लीगल कंपनी है। लीगल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीगल? दैट इज अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशंस, जो संविधान के द्वारा अनुमति प्रदत्त है। ठीक है, जिसको जिस काम को करने की सरकार, हमारा जो संविधान है वो हमें परमिशन देता है, उसे क्या कहते हैं? लीगल। तो LIC जो है वो एक लीगल कंपनी है। तो LICIT, लिसिट मीन्स लीगल, वैध। ठीक है, तो बच्चों ये था आज का हमारा स्पेशल एपिसोड, जिसमें आपने 10 से 12 स्पेलिंग्स सीखी और उनको एक अलग तरीके से याद किया। क्या आपको मजा आया? क्या आपको देख करके अच्छा लगा? क्या स्पेलिंग्स याद हुई? बिल्कुल हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। हमें इंतजार है आपके कमेंट्स का कि आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको ये वास्तव में रियल में अच्छा लगा तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, बोलो गोविंद भगवान की जय।